अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, हमें यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। घर लगाएगी लाओ। बस जीनत नहीं आई, अब तक तो आ जाती थी। हाँ आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, शायद उसे बस नहीं मिली होगी। बस नहीं मिली होगी, मैं प्रभुदयाल जी से मालूम करके आता हूं। ठीक है। अरे भाई अशफाक। जनाब। कहो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? जनाब उसी का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। तो घबराने की क्या बात है, गई है तो आ ही जाएगी, हैं? कहीं घूम फिर रही होगी। अजीब बात कर रहे हैं आप भी, हैं? जनाब वो स्कूल से सीधे गांव में आती है। तो घबराते क्यों हो, चैन से बैठो। चैन से बैठो, आप लोगों को तो बस मजाक उड़ाना ही आता है। प्रभुदयाल जी लता आ गई? नहीं तो, जीनत के साथ ही तो आती है, लेकिन आज तो काफी समय हो गया और वो विजय भी नहीं आया अभी तक। खैर घबराओ मत, चलकर देखते हैं। अरे भाई कभी कभी बस भी तो नहीं मिलती है, चलो चलो आइए। आ रही है, जीनत कहां रह गई? लता जीनत कहां रह गई? चाचा जीनत को कोई जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर उठा कर ले गया। क्या? पूरी बात बता, तूने उसे बचाया क्यों नहीं, अकेली चली आई? पापा मैंने और विजय ने रोकने की बहुत कोशिश की, हमारी कुछ देर हाथापाई भी हुई, फिर वो जबरदस्ती हमें धक्का देकर भाग गया। और जीनत? चाचा वो जीनत को उठा कर ले गया, विजय पीछा करते हुए गया है। अशफाक तुम किसी तरह थाने पहुंचो जल्दी। बेटी तुम घर जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। जाओ। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे भाई कौन है? मौलवी साहब मेरी बेटी को कोई बदमाश अगवा करके ले गया है, है? मुझे थाने जाना है, अब स्कूटर है ना आपके पास? अरे क्या कह रहे हो तुम, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लड़की को बाहर मत भेजो। खैर तुम हिम्मत से काम लो। अरे सुना मौलवी साहब आपने, जीनत को कोई अगवा करके ले गया है। देखो भाई मेरा स्कूटर तो एक जमाने से खराब पड़ा है, तुम ऐसा करो कि अली रजा के पास जाओ, उनके पास मोटरसाइकिल है। हाँ जाओ। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, गांव की ही बच्ची है। अफसोस मुझे भी है, इसीलिए ही मना किया था
कि गांव से बाहर मत भेजो, जमाना खराब है, लड़कियों का घर में रहना ही ठीक है। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि या तो कोई लड़की किसी के साथ भाग गई या उसे कोई भगा कर ले गया। आप लोग तो दूसरों का मजा निकाल के बैठ गए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। जीनत कोई पराई बच्ची नहीं है, अपनी ही घर की बच्ची है। चलिए मौलाना, देख लेते हैं कि अशफाक थाने गए भी या नहीं। आई आई, आई। सब्र से काम लो बहन, अपने आप को संभालो, हमारी जीनत घर वापस आ जाएगी। लो थोड़ा पानी पियो। नहीं, पता नहीं हमारी जीनत कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मौलवी गफ्फार, तुम इतने चुप चुप से क्यों हो? सदमा मुझे भी है, अल्लाह जीनत को अपनी अमान में रखे, लेकिन हमें तो गुस्सा जीनत के बाप पर आता है। देखो मौलाना, अगर हम सच्चे दिल से ईमान और यकीन को सामने रखकर गौर करें तो क्या हम अशफाक के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? मतलब क्या है आपका? अरे भाई, वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है तो कोई शरई जुर्म तो नहीं कर रहा? हमने उस बेचारे को क्या क्या नहीं कहा, फिर भी अल्लाह का वो बंदा सब्र और जब्त से काम लेता रहा। मैंने बाद में सोचा कि हम कुरान की हदीसों की बातें करते हैं, खुद उस पर कितना अमल करते हैं बताइए। अरे अल्लाह के नबी तो राह चलते हुए रोड़े और पत्थर उठाकर एक तरफ कर दिया करते थे ताकि उनसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ठोकर ना लगे। आप फरमाते थे कि किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता। लेकिन हमने क्या किया, हमने रास्ते के रोड़े हटाने के बजाय जीनत की राह में रोड़े अटकाए, अशफाक की दिल आजारी की। अरे जीनत कोई गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही थी? आज भी अंग्रेजी? हाँ हाँ, दीनी तालीम नहायत जरूरी है, किसी भी जुबान को किसी भी मजमून को पढ़ने में कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे तो सोच का दायरा बढ़ता ही है और तब अल्लाह की बनाई हुई ये कायनात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। इसीलिए अल्लाह ने इल्म पर जोर दिया है। देखो मौलाना, मुखालफत उस अमल की करनी चाहिए जिससे समाज में गिरावट आती है। तालीम से समाज में गिरावट नहीं आती बल्कि तरक्की के आसार पैदा होते हैं। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि जो हम और आप सोचते हैं वही ठीक है। अरे भाई, अगर हमारे सोच से किसी का भला नहीं हो रहा तो हमें अपने सोच को बदल देना चाहिए, यही वक्त का तकाजा है। इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। हालात की सख्तियां हिम्मत तोड़ती हैं, लेकिन आगे बढ़ने की सच्ची लगन हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छे मकसद के लिए की गई कोशिश
अल्लाह के नजदीक नेक अमल है। इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं है। सूरह नज्म की 39वीं आयत में बंदों को सबक दिया गया है कि इंसान को कुछ नहीं मिलता जब तक कि पाने के लिए अमल नहीं किया जाता, कोशिश नहीं की जाती, फिर उसे सिला मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरे जीनत आ रही है भाई, जीनत आ गई। जीनत, तू ठीक है ना? चल अंदर जा। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं पापा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। लेकिन हुआ क्या बेटा? मुझे बहुत खुशी है बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। पापा कल रक्षाबंधन है ना, जीनत दीदी को तो बचाना ही था। शाबाश। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। जीनत आ गई है। जीनत आ गई? हाँ आ गई है। शुक्र है आपकी बेटी आ गई। जी लेकिन हमें बयान लेना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब अभी वो बहुत परेशान है, उसे चोटें भी आई हैं। ठीक है कल बयान ले लेंगे। लेकिन आपको किसी पर शक है? जी नहीं। रहमान अक्सर जीनत को छेड़ता था। रहमान कौन है, कहाँ रहता है? लेकिन रहमान ऐसा कार्य नहीं कर सकता साहब। आप उसे जानते हैं? इसी गांव का है। इस वक्त कहाँ होगा वो? कोने वाले मकान में रहता था अपनी माँ के साथ। कई दिन से माँ बेटे नजर नहीं आ रहे। आप उसका घर दिखा सकते हैं? लेकिन साहब जीनत दीदी को ले जाने वाले रहमान भाई नहीं थे, वो कोई और था। अच्छा ठीक है, बयान हम कल ले लेंगे। अब सोचना क्या, जो होना था हो गया। खुदा का शुक्र है कि तुम घर आ गई। ये तो एक बुरा समय था जो टल गया। थोड़ी परेशानी हुई बस, और क्या। जीवन में घटना दुर्घटना तो होती रहती है, तुम सोच सोच कर अपना जी छोटा ना करो। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या सोच रही हो, बोलती क्यों नहीं? लता मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर वो आदमी कौन था, मुझसे क्या दुश्मनी थी उसकी। कोई भी हो भाड़ में डालो, उसके बारे में अब क्या सोचना। बदमाशों का कोई ईमान धर्म होता है क्या? लेकिन फिर भी एक कलंक तो लग ही गया ना। कैसा कलंक? तुम पागल हो गई हो क्या? औरत की मर्यादा कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि गंदे हाथ से छू दो तो धब्बा लग जाए। तुम तो एक बहादुर लड़की हो, सारे गांव वाले तुम्हें जानते हैं। लता यही गांव से बाहर निकलने की सजा है? तुम तो औंधी बातें करती हो, रोजाना सैकड़ों हजारों औरतें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो क्या रोज सैकड़ों हजारों वारदातें होती हैं? तो क्या हम पढ़ाई जारी रखें? लगता है चोट तुम्हारे सिर पर आई है और तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। होश में आओ जीनत, होश में। तुम जीनत हो जिसने रहमान के छक्के छुड़ाए और सल्लू के दांत खट्टे किए। तुम भी पढ़ोगी मैं भी पढ़ूंगी, गांव की सारी लड़कियां पढ़ेंगी। हम पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। अगर तुम हिम्मत हार गई
तो तुम्हारी कौम की लड़कियां जहालतों की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। और तुम क्या समझती हो, तुमने कोई मामूली कदम उठाया है? अब इस कदम को आगे ही बढ़ना है, क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप का सपना है। उन्होंने तुम्हारी आंखों को अधूरे ख्वाब दिए हैं, तुम्हें उन्हें पूरा करना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे माँ बाप की अभिलाषा है, इसलिए कमजोर बनाने वाली सोच को दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अच्छी अच्छी बातें सोचो, जैसे वो मोटरसाइकिल वाला जो बागपत में तुम्हारी राह तक रहा होगा, वो तुम्हें कितना चाहता है, उसकी चाहत के बारे में सोचो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी। क्या पता उसे भी कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और कल को उसकी अम्मी अब्बू भी कह सकते हैं कि मुझ में जहालत का दाग है। ओफो, तुम इस तरह सोचना नहीं छोड़ोगी। वो जानता है कि तुम स्कूल में पढ़ती हो, फिर भी तुम्हें चाहता है। सीनत, हाँ? कहीं तुम्हें उठवाने में रहमान का हाथ तो नहीं है? रहमान? कुछ कह नहीं सकती, कई दिनों से नजर नहीं आया, लेकिन कोई कह रहा था कि वो अपनी अम्मी को लेकर गांव से चला गया है। भगवान जाने कौन कमीना था। जी, वो DSP खान साहब से हमें मिलना है। जी फरमाइए, मेरा ही नाम DSP खान है। जी, मेरा नाम बानो है, और ये मेरा लड़का रहमान है। हम लोग पहले टाना गांव में रहा करते थे। तो तुम्हारा नाम रहमान है? जी सर। बैठिए। टांडा गांव के अशफाक खां की बेटी जीनत को अगवा करने की कोशिश की गई थी। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि तुम उसे छेड़ा करते थे, धमकी भी देते थे। ये सच है साहब, मैं उसे छेड़ा करता था, मगर इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया साहब। हुजूर, ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये बेकहा बेरोजगार जरूर छेड़छाड़ भी करता है, लेकिन हुजूर, हकीकत में इसने कभी किसी से कोई खाता पाई नहीं की। हाँ, जबान से, मिजाज से तेज जरूर है। अगर तुम वाकई एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपनी माँ का सहारा बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम कोई धोखाधड़ी नहीं करोगे? साहब, मैं बदनाम जरूर हूं साहब, मगर बुरा आदमी नहीं हूं साहब। आप एक बार मुझ पर एतबार कीजिए साहब। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा।
हम अशफाक खां की बेटी जीनत के अगवा के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हुजूर, अगर बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करो, पुलिस हर मामले में देर से पहुंचती है। तो माशाल्लाह आप तो कई दिन बाद आ रहे हैं। साहब, इनके कहने का मतलब यह है कि मुजरिम पकड़ा गया है कि नहीं? आप पुलिस के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि पुलिस को शक करने की आदत होती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि रहमान नाम का नौजवान उस लड़की को छेड़ा करता था और आप उसके पढ़ने लिखने पे पाबंदी लगाते थे और उसके बाप पे दबाव भी डालते थे, जो कानून के खिलाफ है। लेकिन डीएसपी साहब, आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? पुलिस पहुंचने में देर इसलिए लगाती है कि पहले वो कुछ पता लगाती है। खैर, अगवा की कोशिश करने वाला आदमी पकड़ा गया है। कौन है वो? वो रहमान भी हो सकता है। नहीं हुजूर, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं साहब, हमें लगता है रहमान ऐसा नहीं कर सकता। डीएसपी साहब, अशफाक की बेटी सारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है। हम उसको तंबीह कर सकते हैं, उसके बाप को डांट डपट भी सकते हैं, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि इस गांव का कोई भी आदमी किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, अब वो चाहे रहमान ही क्यों ना हो। खैर, हम उस लड़की के वालिद अशफाक खान से मिलना चाहते हैं। ले जाइए मौलाना, अशफाक मियां यहां ले जाइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए। बैठिएगा। हम आपकी बेटी का बयान लेना चाहते हैं। लेकिन वो तो अभी तक आई नहीं, बागपत पढ़ने जाती है। जी, दोनों बस आती ही होंगी। आपकी बेटी भी तो जीनत के साथ आती जाती है। जी जी, लता नाम है उसका। तो हमें लता का बयान भी लेना होगा। लता का क्यों? जब दोनों साथ साथ आती जाती हैं, तो पुलिस की कार्रवाई में भी बराबर की शरीक हैं। और हम पुलिस वाले शक पहले करते हैं, कार्रवाई बाद में। जी, आप अपनी कार्रवाई जरूर करें, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारी बेटियों में कोई खोट नहीं है, वो बस आती ही होंगी। आपकी बेटी का पहले भी कहीं रिश्ता हुआ था क्या? जी हाँ। पुलिस को शक है कि उसके अगवा में उन लोगों का हाथ भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा? रिश्ता तो उन्होंने खुद तोड़ा था। पुलिस वाले रिश्ते नाते नहीं जानते, हम तो सिर्फ कड़ियों को जोड़ते हैं फिर मुजरिम तक पहुंचते हैं। और वैसे भी ये लड़की के अगवा का संगीन मामला है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। आज मैंने आपकी बेटी को अगवा किया था। हाँ? आओ बेटी, इधर आओ। क्योंकि ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैं डीएसपी खान की माँ हूँ। जी? पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने सोचा था मेरे बेटे की बहू ऐसी होनी चाहिए जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा हो। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि एक लड़की को तालीम हासिल करने के लिए कैसे कैसे सख्त मरहलों से गुजरना पड़ता है। समाज और माहौल कैसे आड़े आता है। तब मैं ये भी नहीं सोच सकी थी कि एक लड़की के बाप को अपने और अपनी लड़की के अरमानों को पूरा करने के लिए बंदिशों और मजबूरियों की कैसी कैसी जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। और मैं एक पल में, एक झटके में वो रिश्ता तोड़कर चली गई थी। आपकी बेटी की जो खूबियां मैं ना देख सकी, मेरे बेटे ने देख ली। और जब उसने उन खूबियों से मुझे रूबरू कराया तो मेरी आंखें खुल गईं। और बहन,
आज मैं वो रिश्ता जोड़ने आई हूँ। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसमें हालात से मुकाबला करने की ताकत है, और ऐसी बहादुर लड़की ही एक पुलिस अफसर की बीवी बन सकती है। आपकी बेटी वाकई चांद का टुकड़ा है, और जिसे हम चांद का दाग कहते हैं वो चांदनी के वजूद का एक हिस्सा है, इसीलिए चांदनी बेदाग होती है। अब ये चांद मेरे घर की चांदनी है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने चांद के दाग को देखा, चांदनी की पाकीजगी को नहीं देख सकी। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आप अपनी बेटी को ज्यादा ना पढ़ा सके तो क्या हुआ, अब जीनत मेरी बेटी है, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। ये भी तो सास का फर्ज है और हर औरत का फर्ज है कि किसी बेटी को बहू बनाते वक्त ये ना देखे कि वो मायके से क्या ला रही है, बल्कि ये सोचे कि उसे ससुराल में क्या मिलना चाहिए। शुक्र है भगवान का, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। भाई साहब, आपकी बेटी लता हमें बहुत पसंद है। वहाँ एक इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह हैं, वो भी ठाकुर बिरादरी के हैं, आप कहें तो ये रिश्ता हो सकता है। आपने मुझे भाई कहा है, फिर ठाकुर प्रभदयाल सिंह आपकी बात भला कैसे टाल सकता है। वाह, बड़ा दामाद डीएसपी और छोटा दामाद इंस्पेक्टर। आओ रहमान आओ। ये आप ही के गांव का रहमान है, हमने इसे होमगार्ड में रखवा दिया है, हमने इसे सुधरने का एक मौका दिया है। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ये बात छुपाई कि रहमान मेरा बेटा है और इसकी मां मेरी दूसरी बीवी है। गफ्फार साहब, आपने ये बात छिपाकर खुद पर जबर क्यों किया? आपने कोई गुनाह तो नहीं किया था, आपको तो फक्र के साथ बताना चाहिए था। बानो जैसी साबिर औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, उसने उफ तक नहीं की, वो काबिले एहतराम है। जीनत की अम्मा, अरे भाई खड़े खड़े मुंह ही देखती रहोगी, नाश्ते का इंतजाम करो। मैं अभी लाई। बेटी तुम भी जाओ मदद करो। उठो समय को